लोग आपसे नाराज क्यों होते हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बोला था, अभी इसका पार्ट टू बोल रहा हूँ कि लोग आपसे नाराज क्यों होते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गणकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ये हमारा मिशन है। लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते रहते हैं, पेशेंट्स को लाते हैं, रिश्तेदारों के साथ में हम भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा हम भर्ती करते रहते हैं और लोगों को अच्छा करते रहते हैं। कुछ लोग मेरे पास में जब आते हैं उनको डिप्रेशन की शिकायत रहती है और उनको ऐसा लगता है कि लोग हमारे से नाराज़ होते हैं और इसके लिए उनको डिप्रेशन होता है। मतलब एक कारण होता है डिप्रेशन का कि भाई लोग नाराज़ क्यों होते। तो जब हम काउंसलिंग करते हैं तो काफ़ी सारी बातें सामने आती हैं। उसमें मैं जब काउंसलिंग करता हूँ तो वो पॉइंट ये है कि लोग नाराज़ आपसे इसलिए होते हैं कि लोगों की कुछ अपेक्षाएं होती है, एक्सपेक्टेशन रहती है आपसे। लोग आपसे कुछ अपेक्षा करते हैं और जब आप उनकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं करते तो फिर लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। हमारे घर में एक फंक्शन था, मेरे एक 50 एक डॉक्टर लोगों को हमने हमारे घर पे बुलाया था, बेटे का बर्थडे था उसके ऊपर, और फंक्शन अच्छा हुआ। मतलब काफ़ी सारे लोगों ने एंजॉय किया, घर पे पार्टी रखी थी तो, और बाद में लोग चले गए। 2 दिन बाद में एक हमारे डॉक्टर थे जो हमारे 2 स्क्वायर के बाद में उनका हॉस्पिटल था, उनका मुझे फ़ोन आया और वो काफ़ी नाराज़ थे मेरे से। बोले मैं आपको फ़ोन कर ही दिया कि मुझे 2 दिन से अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया? तो बोले मुझे ऐसा पता लगा कि 2 दिन पहले आपके यहाँ पार्टी थी, आपके बच्चे का बर्थडे था और आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया और मैं काफ़ी नाराज़ हूँ। अब देखिए, उनकी अपेक्षा थी कि ये जब 50 डॉक्टर आ रहे तो उनको भी बुलाना चाहिए था। मैंने उनकी ऐसी अपेक्षा थी और मेरे यहाँ से गलती हो गई, वो नाम छूट गया। और मुझे ये पता नहीं कि मेरे यहाँ से गलती हो गई, ये नाम छूट गया। अच्छा हो गया उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, ये तो मुझे मालूम हो गया कि अच्छा वो नाराज़ है। अदरवाइज़ लोग ऐसा फ़ोन नहीं करते रहते। ये डॉक्टर खुद, मतलब उनके मेरे संबंध अच्छे थे, उनको ऐसा नहीं लगा कि मैं नाराज़ हो जाऊँगा ऐसा बोल के, इसलिए उन्होंने खुद फ़ोन होकर मुझे पूछा कि भाई ऐसा क्यों। मतलब सॉरी, मेरी मेरे से बहुत गलती हो गई और मैंने मेरा वो नाम छूट गया, कुछ तो भी और छूट गया। नहीं, मुझे यही जानना, मतलब जान के मुझे रहना था, बोले जानना चाहिए था कि भाई आपने जानबूझ के बुलाया नहीं कि गलती हो गई। बोला नहीं, जानबूझ के बुलाया ऐसा नहीं, मेरी गलती हो गई, मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ कि आपको मैंने बुलाया नहीं करके। तो फिर ऐसा होता रहता है कि लोगों की ऐसी अपेक्षाएं होती और वो अपेक्षा हम पूर्ति नहीं करते तो फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं। कभी कभी अपने दोस्त अपने को कार मांगते रहते कि मुझे कार दो, मुझे और कहीं जाना है या मुझे मेरे फैमिली को वहाँ ड्रॉप करना है। अपने को ज़रूरत रहती है या अपने को असुविधा होती रहती है तो फिर अपन उसको नहीं बोलते कि नहीं मैं कार नहीं दे सकता हूँ। वो नाराज़ हो जाता है कि उसकी अपेक्षा रहती है कि उसने कार देना चाहिए। कभी कभी कार खाली पड़े रहती है तभी भी अपन देते नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कार बराबर चलाएगा नहीं, कहीं ठोक देंगे कार, और मैं फिर उसको कुछ तो भी कारण देता हूँ, ना बोलता हूँ और फिर वो नाराज़ हो जाता है। तो लोगों की ऐसी अपेक्षाएं होती रहती है और लोग नाराज़ होते रहते हैं। इसमें कारण, मतलब इसमें उपचार बोलो या जो भी उसका सॉल्यूशन बोलो, ये है कि जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है कि लोग नाराज़ होंगे या हो सकते हैं, वहाँ वहाँ आपने क्लियर कट कम्युनिकेशन दिया, आपने किया क्लियर कट संवाद उनसे, मतलब संवाद किया कि भाई मैं जो नहीं कर रहा हूँ, आपकी ऐसी अपेक्षा होंगी, मैं नहीं कर रहा हूँ तो फिर क्यों नहीं कर रहा। हो सकता है कि आपकी ऐसी इच्छा होंगी, ऐसी अपेक्षा होंगी, मगर मैं ये करने वाला नहीं हूँ। तो लोग अपेक्षा भी नहीं करेंगे, और लोगों ने अपेक्षा की होंगी तो मैंने इतना, वो अपेक्षा को सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशीलता मेरे में होना चाहिए कि भाई लोगों की ऐसी अपेक्षा होंगी, मैंने वो पूर्ति नहीं किया तो मैंने खुद होकर उनको बोलना चाहिए कि भाई आपकी ऐसी अपेक्षा होंगी मगर मैं ये नहीं करने वाला हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ। तो फिर लोगों की अपेक्षा वो ऐसा बैठेंगे नहीं, अपेक्षा करते करते नाराज़ हो जाएंगे। एक तो उन्होंने पूछा बहुत ही अच्छा है, नहीं पूछा तो फिर मैंने उसको संवेदनशीलता से बोलना चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी आपकी अपेक्षा होंगी मगर मैं ये करने वाला हूँ नहीं। तो फिर लोग नाराज़ होंगे नहीं, या होंगे भी तभी टेम्पररी होंगे, मगर उनके और आपके बीच में कोई गैप नहीं होंगे। उनको मालूम है कि जो भी आदमी ये बोलेगा ना सीधा बोल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों के और आपके बीच में भी आपको गैप नहीं चाहिए, आप लोगों के साथ में क्लियर कट बोलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है जो भी है। तो आप में संवेदनशीलता होना जरूरी है, संवेदनशील, सेंसिटिवनेस, और आप सेंसिटिव है लोगों की अपेक्षाओं को, और लोगों की अपेक्षा की पूर्ति मैं करने वाला हूँ या करने वाला नहीं हूँ, या आप सीधा बोलते हैं, या यदि आपको वो नहीं समझे और लोगों ने खुद होके आपको पूछा कि भाई मेरी ऐसी अपेक्षा है आप करोगे क्या, तो अच्छा, हाँ जी ऐसा बोलने के बदले आपको नहीं करना है तो सीधा नहीं बोलने का है, हाँ बोल के फिर
फिर करना नहीं है, उसमें भी लोगों की नाराज़गी आती है। तो ये जरूर वीडियो आपको काम में आएगा आपके रोज के जीवन में, मुझे पक्का पता है कि आप यदि इसका इस्तेमाल करोगे कि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोलना, लोगों की अपेक्षाओं को उतरना या अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करते हैं तो वो भी क्लियर कट बोलना, इससे आपके लोगों के संबंध और रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे और लोग आपसे नाराज नहीं होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।